तो चलिए आपकी जिंदगी में भी बिखेर देते हैं एंटरटेनमेंट के रंग, बिल्कुल इन नेल पेंट्स की तरह। अब तो लेकर चल रहे हैं हम आपको अली बाबा दास्ताने काबुल की मरियम यानी तुनिशा शर्मा के पास, और हम तो कर रहे हैं इनकी एक मेकओवर स्टोरी। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा तुनिशा के पास। अरे ये तो शहजादी मरियम है ना? हाय कितनी खूबसूरत है, बिना मेकअप के इतनी सुंदर लग रही है। बहुत एक्साइटेड हूँ इसका मेकओवर देखने के लिए। जी हाँ, आज हम देखेंगे कि कैसे तुनिशा शर्मा बनती है शहजादी मरियम। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है सोनी सब के सीरियल अली बाबा दास्ताने काबुल के सेट पर, जहां आज हम देखेंगे कि कैसे तुनिशा का मेकओवर होता है, कैसे वो अपने किरदार में ढलती है और कैसा है शहजादी मरियम का लुक। उनके मेकअप में क्या कुछ है खास, तो चलिए सीधा चलते हैं मरियम यानी कि तुनिशा के पास, कहने उन्हें गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। तो आज सास बहू बेटियां पहुंच गए अली बाबा के सेट पर और तुनिशा के साथ है हम। तो तुनिशा कैसा लग रहा है पूरा मॉर्निंग आज? आज सात की शिफ्ट है और मुझे बहुत नींद आ रही है, क्योंकि कल हमारी वही 9 की शिफ्ट थी और फिर बैकअप 9 बजे ही होता है। तो आज सात की शिफ्ट है तो बहुत नींद आ रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जाऊंगी रूम में, आई प्रिपेयर, आई गेट रेडी एंड आप आज आप लोगों को दिखाएंगे कि मैं रेडी कैसे होती हूँ। सो लेट्स गो। तो हम अपने सेट पे पहुंच चुके हैं एंड ये हमारा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पोस्टर है, ताकि सबको पता लगे कि ये हमारा अली बाबा का सेट है। सो वेलकम, गुड मॉर्निंग। तो हमारे अली बाबा तो अभी आए नहीं, उनका कॉल टाइम लेट है, तो नहीं तो मैं हमेशा सबसे पहले आके शिजान को मिलती हूँ। बट गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले जो रूम में आके काम होता है, तो पहले मैं गाड़ी में सबसे पहले शब्द सुनती आती हूँ, क्योंकि मुझे सेट पे आने से पहले मैं ऐसा होता है कि मैं सेट पे गुड वाइब्स लेकर आऊँ। तो सेट पे आने से पहले मैं गाड़ी में शब्द सुनती आती हूँ, उसके बाद शिजान के कमरे से मैं अगरबत्ती लेती हूँ और यहाँ जलाती हूँ, और उसके बाद दिस इज़ माई कॉर्नर, मैं यहाँ पर अपनी अगरबत्ती रख देती हूँ, फॉर गुड फ्रेग्रेंस। और ये हमने लद्दाख हम जब गए थे, तो हमने वहाँ से जब हमें एक दिन मिला था, तब हमने शॉपिंग करके तब हमने अगरबत्ती खरीदी थी फ्रेग्रेंस वाली, तो ये वहाँ की अगरबत्ती है। तो हम लोग इसको थोड़ा कम यूज़ करते हैं कि नहीं नहीं ज़्यादा नहीं लगाएंगे, एक लगाएंगे दो लगाएंगे, ताकि ख़त्म नहीं हो जाए, क्योंकि वहाँ की बहुत स्पेशल थी। सो अभी मैं फ़िलहाल रेडी होने लगी हूँ, तो अभी फटाफट रेडी होते हैं क्योंकि शॉर्ट रेडी हो जाएगा। तुनिशा को मेकअप रूम में आकर सब चीजें जगह पर होनी चाहिए, उन्हें अपना सामान सही तरीके से लगा काफी पसंद है। तो राजू भैया मेरी हेल्प करते हैं, राजू भैया मेरे साथ आते हैं, पूरा दिन मेरे साथ रहते हैं, मेरी गाड़ी भी चलाते हैं, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। और मेरे आने से पहले ही पूरा सामान सेट होता है, क्योंकि काफ़ी मुझे हर चीज़ एक्चुअली प्रॉपर चाहिए होती है। तो इफ़ यू कैन सी एवरीथिंग इज़ लाइक, और यही इसका वो होता है कि ऐसे ही लगना चाहिए, इस चीज़ के बाद ये, इस चीज़ के बाद ये, तो ये सारी चीज़ें मेरी सेट रहती हैं। बहुत ही कम चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन दिस इज़ ऑल दैट आई यूज़। यस, तो शुरू हुआ मरियम का मेकअप, यानी कि अब तुनिशा अपने किरदार में ढलेंगी। मेकअप की शुरुआत होती है बेस लगाने से। वैसे सीरियल में मरियम एक शहजादी है, लेकिन उनका मेकअप काफी सिंपल होता है। तो मेरे साथ होता क्या है, तो ये जो ऑर्डर है, थोड़ी सी फनी चीज है, ये जो ऑर्डर लगा है, जिस ऑर्डर में मेरी चीजें लगी हैं, तो अगर ये ऑर्डर से इधर हो जाए, तो मैं सबको ऐसे बोलती हूँ कि अगर उठाना है तो ऐसे उठा के
के रखना, क्योंकि मेरा ऑर्डर अगर बिगड़ जाता है, थोड़ी सी भी चीज़ ऐसी हो जाती है तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं इनको ऐसे ही रखती हूँ, लाइक दिस इज़ माई ऑर्डर और ऐसे ही इसी ऐसे ही रहना चाहिए, ये थोड़ा नीट एंड क्लीन एंड यू नो अच्छी वाइब्स होनी चाहिए. और हाँ, तो मुझे थोड़ा सा हो जाता है वो, तो फिर योगी दादा भी जब आते हैं तो वो एक एक चीज़ ऐसे उठाते हैं और ऐसे रखते हैं. मैंने गिफ्ट किए हैं सारे, ये सब मैंने कुछ नहीं किया है, ये हमारे जो ड्रेस दादा थे वो भी फ़िलहाल तो नहीं है, वो चले गए हैं, तो ये सब उन्होंने बना कर दिया है मुझे, ये जो सारी चीज़ें हैं उन्होंने बना कर दिया, तो मैंने सब अपने रूम में ही रखा है, सब उन्होंने बना के दिया है, तो मैं कभी भी कुछ भी चीज़ें हटाती नहीं अपने रूम से जो भी मुझे मिली होती हैं. तो इतना भी है कि मैंने अभी फ़िलहाल मेरा रूम मुझे डेकोरेट करना है, मुझे अपना क्लोथिंग रैक लेके आना है, क्लोथिंग रैक अभी मेरा बाकी है, और काफ़ी चीज़ें अभी रूम में करनी है, बिकॉज अभी तो शुरुआत थी ना, तो इसलिए टाइम नहीं मिला. सो माई कॉस्ट्यूम इज़ ऑल्सो हियर, माई ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कॉस्ट्यूम, दिस इज वेरी 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 कम्फर्टेबल. मेरा बेल्ट, मेरी जैकेट, माई स्कर्ट, एवरी थिंग इज़ देयर. और ये एक बार में सारी चीज़ें प्रॉपरली लेकर आते हैं जब दादा, ड्रेस दादा ऐसे कुछ लेकर आते हैं मेरे कपड़े. मेरी जो जैकेट है, जैकेट के ऊपर का जो है मेरा, और जो मेरी स्कर्ट है, मेरी बेल्ट अलग से आती है. मेरी ज्वेलरी मैं सेट पे पहनती हूँ, बिकॉज कानों में थोड़ा दर्द हो जाता है तो वो सेट पे पहनती हूँ, लेकिन बाकी मैं पूरी सेट पे रेडी होके जाती हूँ. तो दिस इज़ माई कॉस्ट्यूम एंड आई कांट वेट टू वेयर इट नाउ. सो आई एम विद द बेस्ट एंड ही इज़ माई फेवरेट गाय ऑन द सेट. एंड योगी दत्ता, आप कुछ कहना चाहेंगे मेरी तारीफ? बहुत अच्छी है, फटाफट रेडी हो जाती है, फटाफट सेट पे जाती है, बस और क्या. ज़्यादा तारीफ योगी दादा मेरी करती नहीं है, जब करते हैं तो वो कभी कभी ऐसा लगता है आज योगी दादा ने तारीफ की, मतलब आज तो कुछ है, आज मैं अच्छी लग रही हूँ अगर योगी दादा ने तारीफ किया तो. वैसे तो कमी करते, तो हमारा चलता रहता है. तो अभी हमारा हो चुका है मेकअप स्टार्ट. ओ हो 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 हो, शुरुआत हो गई है. और अभी योगी दादा का मैजिक देखिएगा, ये जितने भी थोड़े बहुत मेरे पिंपल्स आ गए हैं वो योगी दादा छुपा देंगे अभी. थैंक यू योगी दादा. बाकी आई थिंक पिंपल्स आर अ वेरी नॉर्मल थिंग, एंड जितने भी टीनेजर्स हैं आई थिंक दे शुडंट वरी अबाउट इट, बिकॉज इट्स योर एज गाइज एंड इट्स फाइन, पिम्पल्स आर फाइन, आते हैं और चले भी जाते हैं, कम ऑन. So nothing to worry about and nothing to be ashamed of ki I have pimples, so you know it's a bad thing. Pimples are not a bad thing. Body mein kitne sare changes aate hain, kitni sari cheeze hoti hain, climate changes hote hain, so it's fine, pimples are normal. To uski itni fikr mat kiya kijiye aur yes, just be happy and be confident about your body, your everything. If you're confident enough then I don't think nothing can stop you. मेकअप के दौरान टुनिशा कई और एक्टिविटीज भी करती है, जैसे कि स्मूदी पीना, स्क्रिप्ट पढ़ना, क्योंकि उन्हें सेट पर जाते ही सीन देना होता है. इसी के साथ टुनिशा ने दी कुछ स्किन केयर की खास टिप्स और शेयर की खास बातें भी. तो ये मेरी सुबह की जो मेरी स्मूदी है, जो मेरी स्मूदी होती है वो राजू भैया लेके आ चुके हैं, तो अब मैं रेडी होते होते ये पीती हूँ. और वैसे तो मेरे रूम में म्यूज़िक चलता है, अभी मैंने फ़िलहाल लगाया नहीं है, क्योंकि अगर मैंने म्यूज़िक लगा लिया तो आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं सुनेगी, बिकॉज इट्स दैट लाउड. सुबह आती हूँ तो म्यूज़िक मेरा बजता है, क्योंकि योगी दादा को भी म्यूज़िक के बिना उनका हाथ नहीं चलते. तो योगी दादा, अगर मैं कभी बात करने के लिए भी म्यूज़िक ऑफ कर दूँ तो योगी दादा ऐसे होते हैं कि वो सब ठीक है, आपने गाने क्यों बंद कर दिए. तो हमेशा मेरे कमरे में जब भी मैं आती हूँ सबसे पहले गाने बजते हैं, पहले अगरबत्ती जलती है फिर गाने बजते हैं, उसके बाद सारे काम शुरू होते हैं. लेकिन आज मैंने गाने नहीं लगाए ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुन सके, लेकिन बाद में गाने लगाऊंगी और उसके बाद हम वाइब ज़रूर करेंगे. तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी स्मूदी पी लेती हूँ थोड़ी एनर्जी के लिए, थोड़े मेरे ब्रेकफास्ट के लिए, थोड़ा हेल्दी रहना भी इम्पॉर्टेंट है. अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, सेहतमंद रहेंगे, अच्छे से शूट कर पाएंगे. तो यस, दिस इज़ माई फर्स्ट ड्रिंक. एंड मैं सुबह ज़्यादा कुछ खा नहीं पाती हूँ, बिकॉज सुबह सुबह मुझे इतनी भूख नहीं लगती, तो दिस इज़ आई थिंक मेरे लिए ये पूरा मेरी जो स्मूदी है ये पूरा मेरा कवर कर देती है, इसमें सब कुछ है. सो अभी जैसा आप देख रहे हैं मेरे फेस पे, अगर
लगती है कुछ चीज़ें. मरियम का मेकअप इज़ लाइक सो सो लेस, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. जितना मैं मरियम को, जैसा मैंने सोचा था कि जितना मरियम को मैं मर्जीना को, मरियम और मर्जीना दोनों, जितना सिंपल और सोबर रखूँगी उतना ज़्यादा निखर के आएगी. तो हमने बहुत ही कम रखा है, आइज़ पे ज़्यादा वर्क नहीं होता है. तो योगी दादा बहुत बहुत ही मिनिमल करते हैं जो भी करते हैं. तो अभी जितना मेरे आपको मेरे चीक्स पे दिख रहा है, मेरे फेस पे दिख रहा है, आई थिंक दिस इज़ ऑल वी डू. अभी बस लाइनर और लैशेस लगेंगे, दैट्स इट. मेरा मेकअप 10 मिनट में रेडी हो जाती हूँ मैं मेकअप के साथ. हेयर में थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज कर्ल्स एंड ऑल होते हैं, बट फिलहाल इतने में मैं रेडी हो जाती हूँ. ये योगी दादा को भी पता है मैं इनको कितनी बार कह चुकी हूँ कि योगी दादा मुझे मेकअप सिखा दो, और वो करते करते मुझे कभी कभी बताते भी है कि इसको ऐसे पकड़ के इसको अच्छे से डैप करो, ये करो वो करो, यू शुड कितना आपको मेजर करके आपको फाउंडेशन लगाना चाहिए, सब चीज़ें योगी दादा मुझे बताते ज़रूर हैं. लेकिन वो जब मैं घर पर जाके करती हूँ तो मैं फिर भूल जाती हूँ कि कैसे करना था, क्योंकि ऑब्वियसली यू नीड थोड़ी सी. एंड मेकअप इज़ एन आर्ट एंड इट्स अ ब्यूटीफुल आर्ट. जो जो लोग करते हैं, जो भी सब हमारी लड़कियां करती हैं, जिनका हक है, मतलब श्रृंगार जो करती हैं सब लड़कियां, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग हाउ दे डू इट. एंड जो शिजान की सिस्टर है फलक आपी, तो आप ही मेरे बहुत क्लोज हैं. आप ही मेकअप बहुत अच्छा करती हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा करती हैं. तो उनका तो मतलब शी इज़ सो गुड एट इट दैट आई लव हर सो मच. आई लव हर मेकअप, तो वो सब मुझे बहुत पसंद है. वैसे मुझे पर्सनली मेकअप, क्योंकि हम सेट पे इतना लगा लेते हैं, तो मैं जब छुट्टी होती है सब चीज़ें होती हैं तो मैं इतना यूज़ नहीं करती बिल्कुल भी. स्किन प्रेप करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, स्किन केयर मेरा ज़रूर होता है, लेकिन मैं मेकअप इतना नहीं लगा पाती क्योंकि एक तो आता भी नहीं है. मेकअप में अगर मुझे कोई पसंद है जो सबसे ज़्यादा अच्छा, आई थिंक मेरे हिसाब से मेकअप करते हैं, वो है फलक नाज. आई थिंक शी इज़ ब्रिलियंट एंड आई रियली लव हर सो मच. द बॉन्ड दैट आई हैव विद हर इज़ सो 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 ब्यूटिफुल एंड आई मिस हर अलॉट. वो सेट पर थोड़ा कम आती हैं. शी इज़ शिजान्स सिस्टर ऑल्सो एंड शी इज़ एन एक्टर टू एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. एंड कौन नहीं जानता फलक आपी को, फलक नाज को कौन नहीं जानता. सो येस, फलक आपी इज़ रियली क्लोज टू मी एंड बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, तो मैं उनसे भी सीखती रहती हूँ, काफ़ी चीज़ें सीखती हूँ. एंड येस, जैसा कि मैंने कहा, मेकअप इज़ एन आर्ट एंड मेकअप करने में भी काफ़ी चीज़ें लगती हैं. यू नो, यू शुड नो हाउ टू यूज़ थिंग्स प्रॉपरली एंड कैसी चीज़ें लगानी हैं, तो वो सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो योगी दादा भी करते हैं. तो थैंक यू योगी दादा, बहुत अच्छा करते हैं. फलक आपी को मैं, सो व्हेन आई वाज अ किड, आई थिंक आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, एंड फलक आपी उस टाइम पे महाराणा प्रताप कर रही थी एंड मैं प्रताप की छोटी सिस्टर बनी थी. तो उसके बाद वहाँ पर मेरी मुलाकात पहली बार हुई थी फलक आपी से, लेकिन वो इतनी नहीं हो पाई थी. लेकिन अब जब हम दोबारा मिले तो हमारा बॉन्ड और ज़्यादा थोड़ा गहरा बना. एंड येस, तो आई थिंक अब मुलाकात तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अब जाके थोड़ा और नज़दीकियाँ बढ़ी. तो येस, ये था हमारा. हमारे आज के पूरी जो हमें बंच दिया गया है, आज स्क्रिप्ट का, आज बहुत काम होने वाला है इसका मतलब. तो आज हम काफ़ी काम करने वाले हैं, तो मेरे पास पूरा बंच आ चुका है. तो हम, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कभी कभी, या तो मैं एक्स्ट्रा टाइम मांग लेती हूँ कि मुझे 5 मिनट दे दो, मैं पढ़ लेती हूँ. वरना मैं मेकअप करते करते, अपना रेडी होते होते, अपनी स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, अपनी स्मूदी पीती हूँ, और सब कुछ रेडी होते होते ही होता है जितना टाइम मिलता है. तो उसी में मैं अभी स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ. तो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और फिर सेट पर जाके लेट्स रॉक.
याद ही होगी दादा, मेरा प्रॉपर वो वाला लुक था, प्रॉपर मैं आती हूँ, मेरा लुक थोड़ा चेंज था एंड मैं वहाँ पे, क्योंकि एवरीबडी वॉज लाइक कि अभी मरियम को भेज दो चेंज के लिए, बाकी ओके क्लोज ले लेंगे, तो सबके क्लोजेस लगे हुए थे. और जब मैं सेट पे गई हूँ, सबके क्लोजेस तब भी चल रहे थे और मैं वेट कर रही थी, तो सबको लगा कि इसको चेंज करने में और सब चीज़ें में टाइम लगेगा, तो मर्जीना को जल्दी जल्दी से भेजो. तो मैं जल्दी से रूम में आई, 10 मिनट में रेडी होके सेट पे, एंड आई वाज लाइक रेडी. सेट पे जाते हैं अनाउंस रेडी, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक ये आ गई इतनी जल्दी कैसे आ गई. मैंने कहा चेंज करना था बस, बाल बनाने थे, हो गया. एंड वो कहते हैं चलो अब आ गई है तो अब बैठ जा, बिकॉज अभी तो शॉर्ट चल रहा है एंड उसके बाद ही होगा. तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं जल्दी ही आ गई, थोड़ा मुझे टाइम लगाना चाहिए. लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ, मुझे ये होता है कि हमारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. हमें 12 घंटे मिलते हैं शूट करने के लिए, 12 घंटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं 12 घंटे. तो 12 घंटे में जितना हमारा काम है, ये जितना हमें, अभी तो ये एक आई है, अभी इसके बाद एक और आती है रोज़. आज मुझे नहीं लगता, आज हमारी 2 यूनिट लगी हैं आई थिंक, आज एक और नहीं आएगा. लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे पेजेस हैं. अब बारी है शहजादी के हेयर स्टाइलिंग की. तो अब हमारे साथ आ चुकी हैं रूपाली दीदी. वैसे तो मेरा हेयर एंड मेकअप साथ में होता है, लेकिन आज रूपाली दीदी थोड़ा लेट होकर, तो आज रूपाली दीदी आ चुकी हैं अभी. एंड रूपाली दीदी हेलो, कुछ और नहीं बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे? और मैम बहुत अच्छी है और हमेशा हेयर मेकअप हमारा साथ में होता है, पर आज आर्टिस्ट ज़्यादा है तो इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए, और उनकी विग भी सुबह सुबह रेडी हो जाती है, सॉरी मैम इसलिए. नो बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं अपनी ना, हमारे जितना भी स्टाफ है, सब लोग हैं, जितने भी सब लोग यहाँ काम करते हैं, एंड मेरा हेयर मेकअप एवरीबडी ऑन द सेट, पूरा क्रू मुझे सबसे बहुत प्यारा. आधे लोग तो आई थिंक मेरे पिछले शो से ही हैं, तो सबसे एक अलग ही फैमिली जैसा अटैचमेंट है मेरा, तो सबसे बहुत प्यार है मुझे. हेयर में 10-15 मिनट लग जाते हैं मुझे, क्योंकि साथ में अगर हेयर मेकअप होता है तो मैं 15-20 मिनट में पूरी रेडी हो जाती हूँ. लेकिन आज हेयर थोड़ा लेट शुरू हो रहा है, तो आई थिंक आई टेक 10-15 मिनट्स मोर एंड देन आई गेट चेंज, एंड उसके बाद चेंज के बाद फिर मैं फटाफट सेट पर जाऊँगी. जो भी तारीफें आप ऑफ कैमरा कर रहे हो ना मेरी, ये मुझे चुभ रही हैं बातें. अभी ऑन कैमरा नहीं, मेरी नहीं भी करोगे मुझे चलेगा. मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो. हाँ तो बताओ क्या, मेरे बाल क्या और बहुत प्यारे हैं. टोंग से स्टे नहीं होते इसलिए हम इसमें मूस लगाते हैं और हेयर स्प्रे मारते हैं. बहुत तकलीफ देते हैं इनके बालों को, पर हमें अच्छा नहीं लगता, सॉरी. रोज मेरे बाल घर जाके धुलते हैं बेचारे, बट आई थिंक कोई बात नहीं, लुक के लिए तो लगने चाहिए ना, आप हमें प्यारे लगने चाहिए. यस, तो ये लोग मुझे प्यारा बनाते हैं, इनकी वजह से माशाल्लाह अच्छे दिखते हैं हम. एंड बाकी तो जो लाइटिंग होती है हमारी, DOPs एंड एवरीथिंग, तो वो लोग बहुत हेल्प करते हैं. वो लोग, एवरीबडी इज ब्रिलियंट ऑन आर सेट, सब अपने काम में माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट आर सेट, कि एवरीबडी इज़ सो फोकस्ड एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग. यस, Thank you.
आई हैव अ मोल हियर, यहाँ पे एक छोटा सा तिल है मेरा जिसको योगी दादा से मैं रोज़ हाईलाइट करवाती हूँ काले टीके के उससे, कि हाँ मेरे को काला टीका लगा दो, क्योंकि मम्मा से मुझे मिले होते हैं कि नहीं 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 टीका लगा के सेट पे जाना है, तो वो सब चीज़ें हैं, तो मैं यही मोल को थोड़ा सा हाईलाइट करवा देती हूँ कि नहीं उसे ही थोड़ा सा डार्क कर दो, तो ये मोल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ पर जो है, ये मेरा फेवरेट वाला है मेरी बॉडी पर, आई थिंक मुझे बहुत पसंद है, तो ये मेरा मोल है। और आई थिंक अभी ये लैशेज़, आई थिंक मैंने पहली बार किसी शो में लैशेज़ यूज़ किए हैं आई लैशेज, बिकॉज़ इससे पहले कभी किसी शो में की नहीं थी। मरियम के लिए आई थिंक एवरीथिंग इज़ इन द आईज़, यू नो आई हैव टू प्ले इट लाइक दैट, एंड सब कुछ आँखों में ही है, आँखों से मरियम का बहुत प्ले होता है, तो आई थिंक उनकी आँखें बहुत अच्छी लगनी चाहिए, तो इसलिए लैशेज आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे कैरेक्टर के लिए, तो इसलिए मैं ये लगाती हूँ, अब बहुत अच्छी लगती हैं। आदत नहीं थी मुझे, धीरे धीरे मैंने आदत डाली है, बिकॉज़ लैशेज़ ऐसा नहीं है, बहुत कंफर्टेबल होती हैं, लेकिन योगी दादा उनको कंफर्टेबल कर देते हैं, कभी कभी मुझे चुभ जाती हैं, लेकिन मोस्टली वो ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि नहीं मैं कंफर्टेबल रहूँ इन लैशेज़ के साथ, तो यस वो हो जाता है। चलिए नाउ आई एम रेडी विद माई हेयर एंड मेकअप, अभी मैं चेंज कर लेती हूँ फटाफट, एंड देन आई शो यू माई न्यू कॉस्ट्यूम जो कि अभी नए नए बन के आए हैं, तो वो नया कॉस्ट्यूम आज मैं आपको दिखाऊंगी। सो मैंने चेंज कर लिया है और जो मेरा नया कॉस्ट्यूम है वो अभी आपको देखने को मिलेगा, विच इज टारा। सो अभी और जो मेरी जितनी बाकी सब में मेरी बेल्ट है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है मेरी, आई थिंक द बेस्ट थिंग आई यू नो व्हाट आई लव अबाउट मरियम इज़ कि सब कुछ इतना सिंपल है, शी इज़ वेरी सिंपल, सोच जो मरियम की है वो इतनी प्यारी है, एंड आई थिंक जो मासूमियत है, आई थिंक मरियम इज़ मासूमियत, तो जितनी सिंप्लिसिटी हो मेरे कैरेक्टर में उतनी ज़्यादा अच्छी है, तो हमने सब चीज़ें बहुत कम कम रखी हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें रखी है, ज़्यादा कुछ तामझाम वैसे नहीं रखा है कि मरियम है प्रिंसेस है तो ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रिंसेस सब लोग यू नो एवरीबडी शुड फील लाइक अ क्वीन एंड अ प्रिंसेस, कम ऑन यार, तो इसलिए अभी हम ये जैकेट पहनते हैं, ये है मेरी बेल्ट जिसमें आई थिंक मैं बच्चों के लिए, खास करके बच्चों के लिए इसमें थोड़ी छोटी छोटी चॉकलेट्स भर के लेके जाती हूँ सेट पे, तो फिर जब मैं सेट पे जाती हूँ तो फिर उनको देती हूँ, तो फिर चॉकलेट्स खा के फिर हम लोग सीन शुरू करते हैं, तो मैंने आज मैं चॉकलेट्स लाई हूँ, तो आज मुझे पता था बच्चे आने वाले हैं, तो आज चॉकलेट्स हैं, तो इसमें मैं भर के, बेल्ट यहाँ लगी होती है तो वो आते हैं रोज़, तो गुलरेज तो सबसे पहले आती है मेरे पास, क्योंकि उसको पता होता है कि हाँ ये लेके आई होंगी मेरे लिए, तो मैं यहाँ से चॉकलेट निकाल के उनको दे देती हूँ। Thank you.
सो अगर आप लोग देख सकते हैं कि ये दो, क्योंकि यहाँ पे बाउंस चाहिए होता है तो ये सेट पे जाके निकलते हैं. सो एवरीबडी कॉल्स मी टेडी बियर, या अगर दूसरे वाले क्लिप लगते हैं तो मैं मिनी माउस बन जाती हूँ. तो इसलिए मैं यहाँ से सुनती हूँ अब. तो अगर मैं सेट पे जाऊँगी तो मुझे कोई यहाँ पे बोलेगा तो मैंने बोला कान मेरे अभी यहाँ है तो यहाँ बोलो. तो आई थिंक यार दिस इज़ वेरी क्यूट. मुझे तो ये बहुत क्यूट लगता है, पर मुझे पता भी नहीं लगता कब दीदी आके निकाल भी जाती है. मैं सीन में इतना बिजी रहती हूँ और दीदी आके निकाल देती है, और मैं ऐसे होती दीदी निकालते तो निकाल दिया, और मैं अच्छा ठीक है निकाल दिया. उसके बाद हम सीन करते हैं, लेकिन जब तक हमारा सीन नहीं होता रिहर्सल के टाइम तक ये मेरे सर पे रहता ही है, और तब तक बच्चे मुझे चिढ़ाते रहते हैं टेडी बियर कह के. तो आई थिंक वो मुझे बहुत बहुत प्यारा लगता है जब सब लोग मुझे टेडी बियर बुलाते हैं. तो मेरे हाथ पर एक टैटू है जो कि मैं सेट पे जाने से पहले ऑब्वियसली मुझे छुपाना पड़ता है क्योंकि हम दिखा नहीं सकते. एंड इट सेज लव अबव एवरीथिंग. तो दिस इज़ माय टैटू एंड आई लव द फॉन्ट, आई लव जैसा बनाया गया है, एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन. सो आई थिंक व्हेन यू बिलीव इन समथिंग और टैटू बनवाने के लिए यू रियली शुड नो कि आपको एग्जैक्टली एंड एक्चुअली बनाना क्या है. तो मुझे जब मैं टैटू बनवा भी रही थी आई थिंक उस टाइम पे तो मुझे पेन भी फील नहीं हुई बिकॉज आई रियली वांटेड टू यू नो जस्ट गेट इट. तो यस, लव अबव एवरीथिंग. तो रेडी शेडी होकर टुनिशा यानी कि मरियम पहुंची सेट पर बच्चों के साथ सीन करने के लिए. तो उम्मीद है आपने देखा होगा कि कैसे टुनिशा बनती है शहजादी मरियम और कैसा है इनका लुक. भाई पर्दे पर तो ये काफी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इसके लिए होती है खासी मेहनत. कपड़ों से लेकर हेयर स्टाइलिंग और मेकअप, हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखना पड़ता है. तो चलिए अब हम सेट पर आ गए हैं और माशाल्लाह आज शुरुआत बहुत अच्छी हुई है. तो अभी हम शूट पर जाएंगे. तो आज आपने देखा ही जैसे कि कैसे मैं रेडी होती हूँ बच्चों के साथ सेट पर, मेरे दिन की शुरुआत कैसी होती है. तो वो सब आज हमने किया है एंड माशाल्लाह आज बहुत अच्छा दिन जा रहा है. अभी और जाएगा, अभी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आगे का पूरा दिन बहुत अच्छे अच्छे सीन्स करने वाली हूँ मैं. तो मैंने सीन्स अभी पढ़े हैं तो बहुत बहुत अच्छे सीन्स हैं. तो आई थिंक यस आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे. तो प्लीज़ कीप वॉचिंग द शो एंड कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग. तो भाई हम तो यही कहेंगे कि शहजादी मरियम यानी कि टुनिशा शर्मा ऐसे ही आप सभी का मनोरंजन करती रहे. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.